स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। मोदी जी का जय श्री राम, मोदी जी का जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब मैं अनुरोध करूंगा इस देश के, मैं पहले इनका अभिनंदन करना चाहूंगा और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जेपी नड्डा जी से कि वह मोदी जी का शॉल और टोपी से, जो हमारी हिमाचल की परंपरा है, स्वागत करें, अभिनंदन करें। जय प्रकाश नड्डा जी। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा छोटी काशी के हमारे सुदामा रामस्वरूप शर्मा जी का, सांसद जी का, वो मोदी जी को प्रसर ऋषि का एक चित्र देके भेंट करें। मोदी जी को जय श्री राम। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा इस राष्ट्र के यशस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी प्रधानमंत्री जी से, वो आए और सुंदरनगर और मंडी की जनता को संबोधित करें ताकि दसों की दसों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय मोदी जी से, वो आए और संबोधित करें। मंच पर विराजमान हिमाचल की धरती का संतान और केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, संसद में मेरे साथी यहां के लोकप्रिय सांसद, जनसेवक श्रीमान रामस्वरूप शर्मा जी, यहां के पूर्व मंत्री श्रीमान रूप सिंह ठाकुर जी, बाजय राणा जी, तिलोक जम्वाल जी, दिलीप ठाकुर जी और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के होनहार उम्मीदवार सिराज से मेरे पुराने साथी भाई जयराम, जरा में जरा जाओ धर्मपुर से महेंद्र जी, सरकाघाट से कर्नल इंद्र सिंह जी, नाचन से विनोद कुमार जी, सुंदरनगर से राकेश जी, मंडी से अनिल जी, करसोग से हीरालाल जी, बल से इंद्र सिंह जी, दरंग से जवाहर ठाकुर जी, बिलासपुर सदस्य से सुभाष ठाकुर जी, कोई रह तो नहीं गया,
भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में हमारे इन सभी साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जब मैंने रूप सिंह जी का नाम लिया तो कई लोगों को हंसी आई, क्योंकि मेरा रूप सिंह जी के साथ इतना पुराना नाता रहा है, इतने सालों तक इनके साथ काम किया है। भाइयों बहनों, जब भी हिमाचल आता हूं तब मुझे स्वाभाविक रूप से वर्षों तक आप लोगों के बीच में जो मैंने समय बिताया, हिमाचल से मैं बहुत कुछ सीखा। और यहां के लोगों का प्यार पहाड़ के चट्टान की तरह हर पल हर घड़ी साथ खड़े रहने का सामर्थ्य मैं हिमाचल के मेरे जीवन के उस काल को कभी भूल नहीं सकता हूं। हिमाचल ने मुझे जितना प्यार दिया है उस प्यार को मैं कभी कम नहीं आंक सकता। भाइयों बहनों, ये चुनाव कौन विधायक बने कौन न बने, किसको बहुमत मिले किसको बहुमत न मिले, किसकी सरकार बने किसकी सरकार न बने, ये चुनाव सिर्फ इस बात के लिए नहीं है मेरे भाइयों बहनों, हिमाचल का यह चुनाव सिर्फ विधायक चुनने के लिए नहीं है, सिर्फ बहुमत तय करने के लिए नहीं है, सिर्फ हिमाचल की सरकार बनाने के लिए नहीं है। ये चुनाव दिव्य भव्य हिमाचल बनाने का फैसला करने का चुनाव है। हमारा हिमाचल कैसा हो, हमारे सपनों को साकार करने वाली सरकार हो, हमारे सुख दुख की साथी ऐसी हमारी सरकार हो। राजा महाराजाओं की सरकारें आपने बहुत देख ली, अब तो जनता जनार्दन की सरकार लाने का समय आ चुका है। मुझे बराबर याद है जब धूमल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, शपथ समारोह हुआ, पूरे हिमाचल में अब कई वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, चारों तरफ उमंग और उत्साह का माहौल था, जय जयकार चल रहा था। और शाम को मैंने धूमल जी को कहा, धूमल जी चलिए आज शिमला के माल रोड पर जरा टहलते हैं। और हम दोनों निकल पड़े, न कोई सिक्योरिटी थी, न कोई प्रोटोकॉल था, न कोई तामझाम था, और माल रोड पर जो दुकानदार थे, जो टूरिस्ट थे, जो शिमला के नागरिक थे, युवा नौजवान टहलते थे,
इन सबको अचरज हुआ कि ये तो मुख्यमंत्री आज बन गए और ऐसे ही पैदल यहां टहल रहे हैं। तब लोगों से आवाज उठी थी, अब राजे रजवाड़े नहीं, जनता की सरकार चुन करके आई है और इसलिए माल रोड पर हमारा मुख्यमंत्री हमारी तरह टहल रहा है। लोगों की खुशियों का पार नहीं था। भाइयों बहनों, सरकार जनता के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। आपने पिछले 10 साल की याद तो आपको ताजा होगी, दिल्ली में कैसी सरकार थी और अखबार में क्या खबरें आती थी। वो भी एक वक्त था जब अखबार भरे पड़े रहते थे, सारी सुर्खियां आज कोयले में खाया, आज 2G स्पेक्ट्रम में इतना गया, जल में भी गया, थल में भी गया, नभ में भी गया, यही खबर आती थी कि नहीं आती थी। चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबर आती थी कि नहीं आती थी। वही खबरें 2014 तक पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। और आज खबर क्या आ रही है? वो समय था जब खबर आती थी कि देश की जनता का कितना लूटा गया, आज 1,00,000 करोड़ गया, 2,00,000 करोड़ गया, 10,000 करोड़ गया। और आज खबर क्या आ रही है? मोदी जी बताइए ना, कितना वापिस आया। उस समय चर्चा होती थी कितना गया, आज चर्चा हो रही है कितना आया। और कांग्रेस पार्टी की मजबूरी देखिए, उनको रास्ता नहीं सूझ रहा है कहां जाएं, ये मोदी से कैसे पंगा ले, उनको मोदी समझ में ही नहीं आ रहा है। और कभी कभी भगवान भी कांग्रेस को सद्बुद्धि देता है, जो मुझे बहुत काम आती है। कांग्रेस को ऐसी सद्बुद्धि देता है कि मेरा सारा काम ऐसे ही हो जाता है। अभी कांग्रेस पार्टी, जिसके जमाने में कितना गया, उसी की चर्चा चल रही थी। वो कांग्रेस पार्टी, उसकी हिम्मत तो देखो, वो 8 नवंबर को छाती कुटने का कार्यक्रम कर रही है। सामूहिक रूप से रोने का अभियान है, आंसू बहाने का अभियान है, मोदी के पुतले जलाने का अभियान है। क्यों? क्योंकि जो लूटा था वो गरीबों को लौटाने के दिन आ गए हैं। मैंने जरा कांग्रेस वालों से जानकारी पाने की कोशिश की कि भई ये नोटबंदी को 8 नवंबर को 1 साल हो रहा है, किसी की बोरियां 500 से भरी हुई गई तो किसी की बोरियां 1,000 से भरी हुई गई, और इतने में मोदी बेनामी संपत्ति का कानून ले आया। अब उनको परेशानी यह है कि मोदी अब थोड़े ही दिन में जो बेनामी संपत्ति का कानून लाया है उसका लोगों को परचम दिखाने की शुरुआत करेगा। उनको परेशानी यह है
कि बेनामी संपत्ति का अगर खुलने लग गया तो 500 हजार के नोटों के समय जो बेनामी सब रखा हुआ है, कहीं बेनामी जमीन लेके रखी हुई है, कहीं बेनामी फ्लैट बना के रखा हुआ है, कहीं दुकान खोल के रखी है, ये सारी चीजें अब बचने वाली नहीं है। और इसलिए वो माहौल बना रहे हैं कि मोदी बेनामी संपत्ति का तूफान खड़ा करे, उसके पहले ब्लैक मनी डे मनाए, 8 नवंबर को आंसू बनाए और लोगों को गलत राह पर ले जाने की कोशिश करें। लेकिन कांग्रेस के लोग समझ लीजिए, ईमानदारी के मुद्दे पर ये देश की जनता आज से 100 साल के बाद भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगी। आपका पाप बोलता है, आपके कारनामे बोलते हैं, आपका पुराना इतिहास बोलता है। और इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी सोचती है कि हम लूटते भी हैं लेकिन कोई हमारा जवाब भी ना मांगे, तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी गलती कर रही है। कांग्रेस को पता होना चाहिए, देश की जनता ने मुझे 2014 में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया है, मौज करने के लिए नहीं बिठाया है, अपने परिवार का भला करने के लिए नहीं बिठाया है, अपने यार दोस्तों का भाग्य बदलने के लिए नहीं बिठाया है, मुझे देश की जनता ने भारत का भाग्य बनाने के लिए बिठाया है। और मैं इस काम से कभी चलित नहीं होने वाला, विचलित नहीं होने वाला हूं। भाइयों बहनों, एक तरफ तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बेनामी संपत्ति और जिन जिन लोगों ने ये जमा करके रखा है, छुपा करके रखा है, दूसरों के नाम पर संपत्ति अर्जित करके रखी है, कांग्रेस के कई नेता होंगे, किसी ने अपने ड्राइवर के नाम पर गाड़ी लेकर के रखी होगी, किसी ने अपने जो रसोईया होगा, कुक होगा, उसके नाम पर मकान बना के रखा होगा। मैं इन गरीब लोगों को कहता हूं, अब कांग्रेस के लोग अब अगर आपके मालिक आपको कहेंगे नहीं अब मकान मेरे नाम पे कर दो, गाड़ी मेरे नाम पे कर दो, मैं ऐसे गरीबों को कहता हूं मत करना, अपने पास ही रखो, अब वो वापस नहीं ले पाएगा, ये मैं स्थिति पैदा करने वाला हूं। भाइयों बहनों, ये जनता के पैसे हैं, जनता से लूटे गए पैसे हैं, वो पैसे जनता के ही काम आने चाहिए। और हम देश को लूटने वालों का चुन चुन करके हिसाब करने में लगे हुए हैं और सफाई करके रहेंगे। भाइयों, ये हमारी मंडी की माताएं बहनों ने तो पूरे जिले में सफाई अभियान बहुत बढ़िया चलाया, मंडी जिला सफाई के लिए हिंदुस्तान में जाना गया। अब इसी मंडी जिले से राजनीतिक भ्रष्टाचार की सफाई का काम भी उतनी ही तेजी से होगा, ये मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो कानून नियमों का पालन करता है, जो लोक लाज को स्वीकार करके चलता है, जीवन में बुरा करने से पहले 100 बार सोचता है, मुसीबत से जिंदगी गुजारना पसंद करता है लेकिन गलत रास्ते पर जाना कभी पसंद नहीं करता है, और अगर उस मध्यम वर्ग की चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उसके सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
और इसलिए हमने तरीके ढूंढे हैं। मध्यम वर्ग का नागरिक कभी भी किसी के पास अपना हाथ नहीं फैलाता है, लेने पाने की कतार में जाके खड़ा नहीं रहता है, वो अपने पसीने की कमाई चाहता है, मेहनत से सम्मान के साथ जीना चाहता है। हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है, करोड़ों की तादाद में लोग हैं। मेरी सरकार का एक मकसद है कि जो इस प्रकार से ईमानदारी की जिंदगी जीते हैं उनके लिए सहूलियत करनी चाहिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए, उनको कठिनाइयों से मुक्ति दिलानी चाहिए। और हमारे तरीके देखिए, जैसे हमने एक एलईडी बल्ब का अभियान चलाया, बहुत कम लोगों को अंदाज होगा कि एलईडी बल्ब का ये अभियान है क्या। जिसके भी घर में एलईडी का लट्टू लगता है, दो तीन कमरे का भी घर होगा, तो बिजली के खर्चे में इतनी कमी आएगी कि साल भर में वो मध्यम वर्ग के परिवार का 2,500-3,000 रुपया बचेगा। क्योंकि वो लट्टू ऐसा है, उजाला तो ज्यादा देता है लेकिन बिल कम देता है। अब जब पहले यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो एलईडी के लट्टू की कीमत क्या थी? 350-350 रुपया, कहीं कहीं पर 250-300 रुपया। हमने आकर के अभियान चलाया बिजली बचाने का, मध्यम वर्ग के परिवार का खर्चा बचाने का, मध्यम वर्ग के परिवार के जेब में कुछ पैसे बच जाए। अब तक देश में करीब करीब 27 करोड़ एलईडी के बल्ब बांटे गए हैं, 27 करोड़ बल्ब, और कीमत 350-350-250 से कम होते होते आज 40-50 रुपया कीमत हो गई है। मुझे बताइए, जो मध्यम वर्ग का परिवार जिसको एलईडी का लट्टू 300 में मिलता था, वो 50 रुपए में मिला, तो उसका 250 रुपया जेब में बच गया कि नहीं बच गया? तो एक तो बिजली का बिल का 2,500 बचना, और दूसरा घर में अगर 5-7 लट्टू लाया है तो हर लट्टू पे 200-250 रुपया बच जाना, ये मध्यम वर्ग के परिवार को मदद मिली कि ना मिली। और भाइयों बहनों, हिमाचल में भी हमने मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा मेहनत की, लोगों को समझाया। अकेले हिमाचल में भी करीब करीब 70 लाख लट्टू बट चुके हैं, और उसके कारण हिमाचल में भी मध्यम वर्ग के परिवार के जेब में एक साल का करीब करीब 400 करोड़ रुपए की बचत हुई है। भाइयों बहनों, देश में ये योजना चलाने के कारण 14,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा धन ये मध्यम वर्गीय परिवारों का जो बिजली के बिल में जाता था वो आज उसके जेब में रहा है। इससे उसने बच्चों के लिए दूध ला पा रहा है, बेटी की पढ़ाई के लिए खर्चा कर रहा है, घर में बुजुर्ग है तो उसकी बीमारी के लिए चिंता कर रहा है। ये काम कर करके हमने कितनों की जिंदगी में मदद की है जिसका आप अंदाज लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, इतनी बिजली बचने के कारण अगर उतनी बिजली उत्पादन करते तो उस बिजली उत्पादन करने के लिए जो बिजली का कारखाना लगता
उसका खर्चा करीब करीब 35 से 40 हजार करोड़ रुपए होता। सिर्फ बिजली बचा करके इस देश के 35-40 हजार करोड़ रुपया बचाने का काम एक दीर्घदृष्टा सरकार कैसे करती है, ये भारत की सरकार ने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, जिनको अपने जेब भरने की आदत हो, वो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के जेब में कुछ पैसे बच जाए, उसकी योजना कभी सोच भी नहीं सकते। हमने उजाला योजना के तहत ये करके दिखाया है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की आजादी को 70 साल हो गए। 2022 में भारत की आजादी के 75 साल हो जाएंगे। आज भी हमारे देश में 4 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में बिजली का लट्टू नहीं है, बिजली का तार नहीं है। आज भी वो 18वीं शताब्दी में जिंदगी गुजार रहे हैं, मिट्टी के तेल का दिया जला करके उनके बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भाइयों बहनों, हमने बीड़ा उठाया है। सौभाग्य योजना के द्वारा इन 4 करोड़ परिवार, जिसमें 14,000 परिवार ये मेरे हिमाचल प्रदेश के हैं, इन हिमाचल के 14,000 परिवार जिनके घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है, उसको करने का भारत प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से उसको लागू किया है। और आने वाले दिनों में ये काम हम पूरा करके रहेंगे। भाइयों बहनों, सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव आना चाहिए, और इसलिए हमारा इरादा है आज मध्यम वर्ग के परिवार में, गरीब परिवार में, उच्च मध्यम परिवार में अगर परिवार का एक सदस्य बीमार हो जाए, अगर हृदय रोग की बीमारी हो जाए, कोई गंभीर प्रकार की बीमारी हो जाए, तो उसकी तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। बेटी की शादी के लिए जो पैसे जमा किए हो वो बीमारी में खर्च हो जाते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार गुजारा कैसे करेगा? हमारे देश में अगर हृदय रोग की बीमारी हो और आपको स्टेंट लगाने के लिए डॉक्टर बोलेगा कि आपको तो मुश्किल है, स्टेंट लगाना पड़ेगा, और हिमाचल में रहते हो, पहाड़ियां चढ़नी पड़ती है, अगर जिंदगी को बचाना है तो स्टेंट लगाना पड़ेगा। अब डॉक्टर भी क्या करते थे, कोई स्टेंट की कीमत 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। अब मध्यम वर्ग का परिवार ये कैसे झेलेगा? हमने सरकार बनने के बाद इन सबको बुलाया, हमने कहा बताओ भाई कितने खर्चे में होता है। वो टालते रहे, 1 महीना टाला, 2 महीना टाला, 6 महीना टाला, साल भर टाला, जवाब ही नहीं दे रहे थे, हम पीछे पड़ गए। और भाइयों बहनों, आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि आज मध्यम वर्ग के परिवार में हृदय रोग की बीमारी अगर किसी परिवार में आ जाए तो जो स्टैंड 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में लगता था, वो आज 22,000 से 40,000 रुपए के बीच में आज लग जाता है, और मध्यम वर्ग के व्यक्ति की जिंदगी बच जाती है। भाइयों, दवाइयां इतनी महंगी, हर किसी की मिली भगत थी। हमने कहा हमें जेनरिक दवाइयां बांटेंगे, अस्पताल में गरीबों के लिए अलग दवाई की दुकानें होगी, जेनरिक मेडिसिन होगी, जो दवाई 100 रुपये में मिलती है वो 20 रुपये में मिलेगी, जो दवाई 200 रुपये मिलती है वो 30-35 रुपये में मिल जाएगी। मध्यम वर्ग के परिवार की जिंदगी में बदलाव लाना किस प्रकार से किया जा सकता है, ये हमने करके दिखाया है। और भाइयों बहनों, अभी तो बहुत कुछ करना है, लेकिन जो हमने किया है उससे आपको अंदाज आ सकता है
कि हमारी दिशा क्या है और हमारी गति कितनी तेज है और इस देश के सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हम कैसे काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश का किसान यूरिया के लिए तड़पता था, तड़पता था। मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैं भी भारत सरकार को चिट्ठी लिखता था कि हमें यूरिया चाहिए, हमारे किसानों को यूरिया की मांग है, और भारत सरकार कहती है कि ना तो जवाब देना न देना, ऐसे ही टालते रहना। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के कई राज्य ऐसे थे कि किसानों को यूरिया लेने के लिए दो दो दिन रात में यूरिया की एजेंसी जहां बेचता है यूरिया, बाहर कतार लगा करके बैठना पड़ता था। कई स्थानों पर यूरिया लेने हुए आए हुए किसानों पर लाठी चार्ज हुआ करता था, पुलिस लगी रहती थी। 3 साल हो गए भाइयों बहनों, यूरिया नहीं आया, यूरिया के लिए कतार लगी, यूरिया के लिए लाठी चार्ज हुआ, यूरिया के कारण किसान परेशान है, ये खबरें ही आना बंद हो गया। कोई यूरिया का कारखाने नए नहीं लग जाते एक दिन में, लेकिन यूरिया की जो चोरी होती थी, केमिकल फैक्ट्रियों में चला जाता था, किसान को नहीं पहुंचता था, हमने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमें यूरिया ना यूरिया का नीम कोटिंग किया, 100% नीम कोटिंग किया, और उसके कारण वो यूरिया किसान के सिवाय किसी के काम नहीं आया, और परिणाम यह हुआ कि यूरिया की चोरी बंद हो गई। भाइयों बहनों, हम हिंदुस्तान के गांव के जीवन को बदलना चाहते हैं। सड़क हो, रेल हो, हवाई यात्रा हो, हाईवे हो, हाईवे हो, इंफॉर्मेशन वे, हम हिमाचल को आधुनिक सुविधाओं से सज्ज करना चाहते हैं। पिछले कई वर्षों तक हिमाचल में रेलवे के जितने प्रोजेक्ट नहीं आए होंगे, उससे ज्यादा प्रोजेक्ट हमारे समय आए। पिछले कई वर्षों तक हिमाचल को जो रोड के प्रोजेक्ट नहीं आए थे, उससे ज्यादा प्रोजेक्ट हमारे आए हैं। भाइयों बहनों, हमारा इरादा यही है, हिमाचल न सिर्फ देश का, पूरी दुनिया का एक अच्छे से अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। और जब टूरिज्म बढ़ता है तो गरीब से गरीब को भी रोजी मिलती है। कम से कम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की ताकत टूरिज्म में होती है। हिमाचल में स्पिरिचुअल टूरिज्म भी भरपूर मात्रा में है, एडवेंचर टूरिज्म भी है, एडवेंचर स्पोर्ट्स टूरिज्म भी है, इको टूरिज्म भी है, शेयर करने के लिए शहर की जिंदगी से मुक्ति पाना है तो हिमालय की गोद में आए करके बसने का मन कर जाए, ऐसा सामर्थ्य हिमाचल की धरती में है। ये देवभूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये वीर माताओं की भूमि है। हम पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान के हर कोने को हिमाचल की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, और इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है। अच्छे रोड चाहिए, अच्छी रेल कनेक्टिविटी चाहिए, अच्छी एयर कनेक्टिविटी चाहिए। हम विकास के उन पहलुओं को देख रहे हैं ताकि हिमाचल की आने वाली पीढ़ियों को रोजी रोटी के लिए कहीं बाहर जाना न पड़े। वरना पहाड़ों में तो कहा जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी भी पहाड़ के काम नहीं आता है। भाइयों बहनों, ये पुरानी मान्यता मुझे बदलनी है। अब पहाड़ की जवानी भी पहाड़ को काम आएगी और पहाड़ का पानी भी पहाड़ को काम आएगा, आने वाले कल के लिए काम आएगा, इस संकल्प के साथ हमें काम करना है। पानी से बिजली,
बिजली से विकास की यात्रा, स्किल डेवलपमेंट, मुद्रा योजना, स्टार्टअप, अनगिनत योजनाएं जो मेरे देश के नौजवान को, मेरे हिमाचल के नौजवान को अपने पैरों पर खड़े रहने का सामर्थ्य देगी। भाइयों बहनों, सब समस्या का समाधान विकास में ही है। विकास ही हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। विकास ही हमारे संतानों को जहां हम पहुंचाना चाहते हैं विकास के मार्ग पर ही पहुंच सकते हैं। भाइयों बहनों, हम विकास का मंत्र लेकर के चल रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी पराजय स्वीकार करके बैठी है जी। आप कोई भी चुनाव देख लीजिए, उनके बड़े बड़े दिग्गज जो नेता होते हैं वो मतदान के कुछ दिन पहले दौरा करते हैं। ये पहला चुनाव ऐसा है हिमाचल का कि कांग्रेस के सारे दिग्गज हिमाचल में आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। कहीं और लटार मार रहे हो, कहीं और घूम रहे हैं। उनको पता है हिमाचल की जनता इस बार कांग्रेस को सिर्फ पराजित करना चाहती है, ऐसा नहीं है, कांग्रेस को गंभीर से गंभीर सजा देना चाहती है। और 9 तारीख को जब आप बटन दबाने जाएंगे तब इस बात को न भूलें कि यहां पर होशियार सिंह की शहादत, वन माफियाओं ने, जंगल माफियाओं ने होशियार सिंह को जिस प्रकार से कत्ल कर दिया, जब आप 9 तारीख को बटन दबाएं होशियार सिंह की शहादत को जरूर याद रखिएगा। हिमाचल के पैर बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी खपा दी। हिमाचल के वन वनों की रक्षा करने के लिए उसने ऐसे लोगों के साथ लोहा ले लिया। भाइयों बहनों, 9 तारीख को पहले की तुलना में अधिक मतदान होना चाहिए, पुराने सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। और मैं हिमाचल की माताओं और मंडी की माताओं से खास आग्रह करूंगा कि आप मंडी लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता माताएं बहनें पुरुषों से 5% मतदान ज्यादा करके दिखाएं, इस बार बीड़ा उठाएं। आप देखिए एक बार ये देवभूमि की मातृशक्ति मैदान में आएगी, आने वाले वर्षों तक कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी, अत्याचार और जुल्म का राज दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा, लोकतंत्र का फिर एक बार कमल खिलेगा। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबसे मेरा आग्रह है, मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम।